हेलो दोस्तों, वेलकम दोस्तों। विद ग्रेस ऑफ गॉड, ईश्वर कृपा से हमारे पास हैंगिंग प्लांट्स के लिए काफ़ी स्पेस है। बहुत सारे पौधे हमने हैंगिंग में लगाए भी हैं, आपने देखा भी है, और भी स्पेस हमारे पास है। तो उसी को ऑक्यूपाई करने के लिए, उसी का फ़ायदा उठाने के लिए दोस्तों, हमने कुछ अमेजन से प्रोडक्ट्स मंगाए, प्लांटर्स। तो मैंने सोचा आपसे शेयर भी कर लूँ दोस्तों। ये प्लांटर है, मैं इत्मीनान से बात कर रहा हूँ, ये साइज इसकी अच्छी है। पहली बात, इसका जो 7 इंच लगभग आप देख रहे होंगे इसका डायमीटर है, जो कि पर्याप्त चौड़ा है हैंगिंग प्लांट्स के लिए, और लगभग ये इतना ही, लगभग 6 इंच गहराई है एक पॉट की, और इसका जो चेन है वो भी पर्याप्त लंबी है, लगभग 1 फुट तो है ही है दोस्तों। ये प्रोडक्ट थोड़ा सा हमको कॉस्टली भी मिला, ये 5 का पीस लगभग 600 रुपये मिला, 599 का, लेकिन ये काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है दोस्तों हमें, इसलिए मैंने इसके अमेज़न पे रिव्यूज़ भी पढ़े, देखे लोगों के, ये काफ़ी अच्छा लगा, तभी हमने इसको लिया। ये सीमोर कंपनी का है और मुझे लगता है कि काफ़ी ड्यूरेबल होगा। वाइट कलर दोस्तों मैंने प्रिफरेबली लिया, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे वैसे रंग बिरंगे हैं, वाइट की कमी थी, तो अब बीच बीच में एक वाइट भी हो जाएगा, तो उस तरह से हमारा ये पौधा जो इसमें लगेगा वो काफ़ी सुंदर लगेगा। और ये चूंकि डायमीटर इसका काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा पौधों को फैलने का अच्छा मौका मिलेगा। 7 इंच इसका डायमीटर है तो फैलने का अच्छा मौका मिलेगा। इसको दोस्तों हमने सोचा है कि हम आंगन में अपने रिप्लेस करेंगे, लान में तो है, और भी हमारे पास जगह हैं तो वहाँ पर करेंगे दोस्तों। ये लगभग 120 रुपये का एक पीस पड़ा, लेकिन मजबूती में मुझे काफ़ी यकीन है कि ये काफ़ी अच्छा निकलेगा और काफ़ी लंबा समय चलेगा। अब आपसे दूसरा शेयर करते हैं दोस्तों। ये पॉट डिफरेंट टाइप का है, ये एक गमले साइज़ का है दोस्तों, जैसा कि हम लोग लगाते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, हमने ये प्लांटर्स लगाए थे इस टाइप के मिट्टी के पॉट्स में, ये 20 रुपये के हमें एक पड़े थे, इसको मैंने पेंट करके रखा। लगभग मैंने 10 एक साथ लगाए थे दोस्तों, 10। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या होती है, ये हम लोग इंडोर रखते हैं, टेबल पर रखते हैं, डाइनिंग टेबल पर रखते हैं, अलमारी वगैरह पे रखते हैं, तो इसमें क्या है, इसके थोड़ा सा अगर हाथ हो इधर लगा तो टूटने का खतरा रहता है। या आपके घर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, इन सब में ये टूटने का खतरा रहता है दोस्तों, मिट्टी के होने की वजह से। तो उसके सब्सिट्यूट के तौर पर कि टूटे ना, इसको मैंने यहाँ पर दोस्तों ये मंगाया, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसका भी डायमीटर अगर हम ये चेक करें दोस्तों, तो लगभग 4 इंच है, पूरा हाथ अंदर अच्छे से चला जाता है, यानी हम मिट्टी वगैरह अच्छे से दबा सकते हैं रखने के बाद। और ये भी मैंने वाइट कलर के लिया, घर के अंदर हम इसको रखेंगे दोस्तों, और इसमें हम ऐसे प्लांटर्स लगाएंगे जो इंडोर, पूरी तरह से इंडोर अच्छी तरह से सक्सेस रहते हैं, जैसे उसमें से स्नेक प्लांट उनमें से एक है दोस्तों। तो ये हमको बहुत महंगा नहीं मिला, लेकिन ये सॉलिड काफ़ी लग रहा है दोस्तों, ये सॉलिड लग रहा है काफ़ी। इसको हमने फ्लिपकार्ट से मंगाया, ये 50 रुपीज़ का एक पड़ा, 50 रुपीज़ का एक पड़ा, तो ये लगभग 250 का हमको 5 पड़े दोस्तों। आप भी अगर इस टाइप के प्लांटर्स रखना चाहते हैं तो आपको मिलेगा। और इसकी गहराई, अगर इसकी गहराई नापे दोस्तों, तो गहराई लगभग 6 इंच है, 6 इंच है गहराई इसकी दोस्तों, जो कि पर्याप्त है, एक अपने आप में गमला है। अगर इससे कंपेयर करें, इससे बड़ा ही पड़ेगा, इससे बड़ा ही साइज में है दोस्तों। तो मैंने सोचा आपसे ये शेयर करूं, और हमारे घर में ये लगभग 10 प्लांट और बढ़ जाएंगे दोस्तों। उम्मीद है कि हमारी गार्डनिंग को एक नया लुक मिलेगा, और ईश्वर की कृपा से और भी प्लांटर्स तो बढ़ने ही बढ़ने हैं दोस्तों। कैसा रहा ये रिव्यू, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं इसके बारे में तो भी मैं आपको कमेंट में, आप आएंगे तो बता दूंगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ये देखने को मिल रही है कि इस पर कहीं कंपनी का नाम नहीं पड़ा है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, मैं देख रहा हूँ कहीं भी इस पर कंपनी का नाम नहीं पड़ा है, सरप्राइजिंगली, नहीं तो मैं आपको ये भी बताता। तो उम्मीद है दोस्तों कि इसका रिव्यू आपको काफ़ी अच्छा लगेगा,
और ये जान पाएंगे कि इस तरह के प्लांटर्स भी हम इंडोर में रख सकते हैं और काफ़ी वो खूबसूरत लगेंगे। थैंक यू दोस्तों।